अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अवेस अफरीदी, आई एम फ्रॉम ब्लैकस्टोन आर्म्स। आज लाए हो आपके लिए एक नई रिव्यू, ज़स्तावा M57 30 बोर मेड बाय ब्लैकस्टोन आर्म्स। ये टोटली सीएनसी मशीन मेड है और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, इसकी जो कलरिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। बात करते हो इसके मटेरियल के बारे में, तो इसका स्लाइड मेटल का है, नीचे बॉडी जो है ये इसकी अलमिनियम की होती है, ठीक है। इसका जो बैरल है 40-40 हार्ड क्रोम बैरल है, ओवरऑल मटेरियल इसका 41-40 है। और इस पर जो नंबरिंग की गई है, मार्किंग की गई है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह की गई है, मतलब इसको कोई पहचान नहीं पाता कि ये ओरिजिनल है या यादगी बनी हुई है, क्योंकि इसको बनाया इसी तरीके से, सारा मशीन से बनता है। इस वीडियो में आपको इसकी पूरी परफॉर्मेंस दिखाऊँगा, इसके मटेरियल के बारे में बात करेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी एज कम है 21 से, तो काइंडली ये वीडियो स्किप कर ले, एंड अगर आपका लाइसेंस नहीं बना तो काइंडली आप अपना लाइसेंस बनवा ले। जब आपका लाइसेंस बन जाए तो आप जिधर भी जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, किसी फैक्ट्री में जाते हो, तो आप आराम से जो आपका लाइसेंस हो आप परचेसिंग कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है ज़स्तावा। ये जो है 30 बोर कैलिबर में ज़स्तावा पिस्टल का एक अहम किरदार है, एक नाम है, ठीक है। मतलब जन के साथ 30 बोर का लाइसेंस हो और वो कोई अच्छी पिस्टल ख़रीदना चाहते हैं तो ज़स्तावा भी आप अपने टेबल पर रख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में भी आप सोच सकते हो क्योंकि एक बेहतरीन पिस्टल है। इसमें मेन फंक्शन ये है कि आप इससे जब मैगजीन निकालते हो, मैगजीन, ठीक है, मैगजीन अभी मैंने इससे निकाल लिया, तो ये लॉक हो जाता है, इसका ट्रिगर बिल्कुल लॉक हो जाता है, ठीक है। आप दोबारा जब इसमें मैगजीन डालोगे तो ये फिर रेडी टू फायर होगा, इसका ट्रिगर अनलॉक हो जाएगा, आप इस पर फायर कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैकेनिज्म की बात करूँ तो वही 30 बोर की तरह इसकी मैकेनिज्म है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिस्टल है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओरिजिनल की तरह इस पर जो है स्टैंप वगैरह, नंबरिंग वगैरह की गई है, ठीक है। और लॉक के बारे में तो आपको बता दिया, अगर इसका बुलेट जो है चैम्बर में भी हो, मैगजीन निकाल लो, ये फायर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसमें लॉकर सिस्टम है, बकाया इसमें और कोई सेफ्टी नहीं आती। मैगजीन की कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ तो मैगजीन में 9 बुलेट्स आती है, 2 मैगजीन इसके साथ होती है, ठीक है, 9 बुलेट्स इसके एक मैगजीन में आती है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, फुल ऑटो नहीं है। इस पर कुछ फायर भी करेंगे, आपको दिखाएंगे इसकी एक्यूरेसी, ठीक है। अभी इसको चलाते हैं, टेस्ट फायर करते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो साउंड है वो 9 mm से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 9 mm के नस्बत इसका साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 9 mm से 30 बोर की गोली भी थोड़ी बड़ी होती है। इसको वो 7 शॉट और इसको हम कहते हैं मिनी कलेक्शन को, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक मैगजीन हमने इस पर चला लिया, ठीक है, 9 राउंड्स का ये मैगजीन था। इसके बैरल में बता दिया, के बारे में बता दिया कि 41-40 का हार्ड क्रोम बैरल है, ठीक है। ये मैगजीन जब भी खाली होता है तो ये हर पिस्टल का यही मैकेनिज्म है कि वो रुक जाते हैं पीछे, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैगजीन इसका खाली हो गया है, ठीक है। अच्छा, प्राइस के बारे में बताता हूँ कि यह आपको हमारी कंपनी से किस प्राइस रेंज में मिलेगा। यह आपको हमारी कंपनी से 35,000 में मिलेगा, ठीक है। 35,000 में इसके साथ कुछ बुलेट्स मिलेंगे, एक बैग या बॉक्स मिलेगा, सफाई का सामान मिलेगा, तो ये इसके साथ पैकेज में होता है, ठीक है। आप जब भी फायर करें तो काइंडली, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने पिस्टल को साफ किया करें, इस तरह ना छोड़ा करें कि आपने फायर कर लिया और रख दिया, हफ्ते बाद महीने बाद जब आप उसको उठाते हो, ठीक है, तो उसका हाल बुरा हुआ होता है। अगर ये आप, मैं ओरिजिनल के लिए भी कह रहा हूँ और पाक मेड के लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश किया करें, अच्छे बुलेट्स यूज़ किया करें, और इस पे जो अभी हम बुलेट्स चला रहे थे ये भी लोकल पाक मेड के बुलेट्स हैं। आप कोशिश किया करें ओरिजिनल बुलेट्स यूज़ किया करें, उससे ये होता है कि आपकी पिस्टल में गन नहीं आता, मतलब बिल्कुल साफ़ होती है।
अभी लोकल बिट्स हमने इस पर चलाए, अगर इसको अभी मैं खोलूँ तो अंदर सारा गंद होगा, ठीक है। तो कोशिश किया करें ओरिजिनल बिट्स चला लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो एक मैगजीन इसका खाली हो गया, एक मैगजीन पे हमने टेस्ट फायर कर लिया। अभी मैं इसका दूसरा मैगजीन निकालूँगा, ठीक है, तो वो चलाएंगे इस पर, ठीक है। 9 बुलेट्स इसके मैगजीन में आते हैं। अच्छा, अब ये मैगजीन बाहर है, ठीक है। ट्रिगर को मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसका जो हैमर है ये पीछे है, मतलब ये लॉक है। अगर इसके चैम्बर में अभी तो बुलेट नहीं है, अगर इसके चैम्बर में बुलेट भी होना तो ये फायर नहीं करेगा। ये इसमें लॉक का सिस्टम है, जस्तावा में ये अपना लॉक का सिस्टम आता है। तो ये इसमें फंक्शंस है, प्राइस के बारे में आपको बता दिया, आपके लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस हो तो बिल्कुल आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी जो है दूसरा मैगजीन चलाते हैं तो आपको दिखाते हैं। वो बिल्कुल 100% है, ठीक है। मैंने कभी रेंज में फायर नहीं किया, अभी मेरी शुरुआत है, तो काइंडली ये आपने मेरे साथ गुजारा करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे वो रोस्ट नहीं करना। इंशाल्लाह स्लो स्लो जो है हम ट्रेनिंग भी लेंगे और फिर कोई भी टारगेट हमसे नहीं बचेगा। तो पिस्टल के जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल 100% है, क्योंकि हम कंपनी में कारीगर को कहते हैं कि इसकी मशीनों से जितना भी हो इसकी एक्यूरेसी 100% रखनी है ओरिजिनल की तरह, ठीक है। हम कारीगर्स को एक्स्ट्रा पे करते हैं और मार्केट से, ताकि वो और मार्केट से अलग चीज़ तैयार कर ले, ठीक है। तो आप जब विज़िट करेंगे, आप काइंडली हमारे फैक्ट्री आप विज़िट कर ले या शॉप विज़िट कर ले, आप हमारे प्रोडक्ट्स भी देख ले, आप और मार्केट को भी देख ले, आपको साफ नज़र आ जाएगा जो डिफरेंस है हमारे उनकी प्रोडक्ट्स में, फिर आप आके फैसला करें कि यार हमने क्या करना है। इस पर जितनी आप फायर करना चाहते हो, अगर आप इस पर जो है एट अ टाइम 500 भी फायर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस पर फायर कर सकते हो। दूसरी सबसे मेन बात और ज़रूरी बात, हमारी पिस्टल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसले नहीं आते, ठीक है। आप हमसे परचेज करते हो, अब अगर 10 साल बाद भी आप हमें मैसेज करते हो कि यार आपके पिस्टल में मसला है, एक तो मैंने आपको शुरू में बात बता दी कि हमारे प्रोडक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मसले नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि सीएनसी मशीन से बनते हैं। अगर 10 साल बाद भी आप हमें मैसेज करोगे, कॉल करोगे कि यार इसमें इशू है, तो हम आपको सही करके देंगे। अगर वो सही नहीं हो रहा, मतलब बड़ा इशू है, तो हम आपको 10 साल बाद भी अपनी एक नई प्रोडक्ट देंगे, नई पिस्टल देंगे, ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप गूगल पे ब्लैक्स्ट्रोनॉम सर्च कर सकते हो, आप फेसबुक पे, आप यूट्यूब से हमारा कॉन्टेक्ट उठा सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो एंड ये पिस्टल दोनों अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।